और सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपाली। गुड मॉर्निंग गुड दिसाई। मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ने जो लास्ट टाइम जो वो अशोक अकबर वाली टेक्निक बताई थी ना, वो मैंने मेरे को ना दिमाग में आ नहीं रही। कैसे होती है वो, किसी को कुछ आइडिया हो तो प्लीज शेयर करना। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट संडे तो था ही नहीं ना। नहीं, लास्ट संडे को तो क्लास नहीं हुई थी ना। नहीं, क्लास नहीं थी। लास्ट संडे तो सर कहीं गए हुए थे, फैमिली पहली फंक्शन कुछ। क्लास है ना आपकी, मैरिज वाली, हाँ, बड़ी पहले पहले मैचिंग वाली। अच्छा, मैंने ये देखा है जैसे मैचिंग के क्वेश्चन भी, जैसे कुछ कुंडलियां आ रही हैं मैचिंग के बाद भी, अच्छी खासी मैचिंग होने के बाद भी कपल्स में बनती ही नहीं है। तो नॉर्मल है दीपाली जी, मेरी भी कुंडली मैच्ड है फिर भी नहीं बनती। अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ, फिर क्या करें, राम भरोसे करना पड़ेगा। नहीं, आई डोंट नो, मतलब क्या, एक तो कहते ना, ये किसी चीज को डिफाइन करना जो है बड़ा मुश्किल है। मतलब बनना क्या, लड़ाई झगड़ा इज नॉर्मल। अच्छा एक चीज देखो, कुंडली मिलान में एक नहीं 10 से 15 चीजें मैच करनी होती हैं। सब चीज तो मैच हो नहीं सकती, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे बोले, मतलब हमारी वजह से किसी का रिश्ता ही कैंसिल हो जाता है हमारी एक ओपिनियन देने से। कितना मतलब वो है। मैं भी अब कुंडली एक एक चीज समझिए, हम कुंडली मिलाते हैं लेकिन उसके उसकी तकदीर में यदि वो सेपरेशन लिखा है तो होना ही है। और दीपाली जी, एक चीज और भी है, सिर्फ कुंडली मिलान नहीं, बहुत से आप ऐसे देखोगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी में शादी का ज्यादा सुख होता नहीं है या शादी के बाद सुख नहीं होता, फिर भी कभी कोई पंडित उनसे ये नहीं बोलता कि आप शादी मत देखिए। और उसका अगर आप साइकोलॉजिकल रीजन समझिए तो बड़ा सिंपल है कि अगर किसी की शादी होती है ना तो अकेला जीवन हमेशा खराब होता है एज कंपेयर टू कि कोई है जिसके साथ आप जीवन काट रहे हैं। तो नहीं, ये तो भले बात आप लड़ सही झगड़ के काटे, आप मैरिड हैं तो आप ये समझते होंगे कि हस्बैंड वाइफ में जनरली झगड़े हो ही जाते हैं किसी ना किसी बात पे, है। और ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल। अब तो नहीं रह सकते, बट द फैक्ट इज कि वो फिर भी उस झगड़े से निपट के आगे बढ़ जाते हैं, फिर 2-4 दिन बाद झगड़े करते हैं, बट समहाउ लाइफ जो है खिंचती जाती है नहीं, अच्छे से। लेकिन आकांक्षा जी, वो झगड़े मतलब वैसे झगड़े नहीं बोले जाते ना, जो झगड़े नहीं, मतलब ये अब मेरा सेपरेशन वाले पॉइंट झगड़े, आप और आपके बिल्कुल हस्बैंड के बीच का जो जो भी आर्ग्यूमेंट है, दैट इज नॉट झगड़ा, दैट इज डिस्कशन वी कैन से, और आर्ग्यूमेंट नहीं, पर देसाई सर, आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये भी झगड़े उसका बहुत उस बड़े नहीं होते नहीं हैं। उसके लिए आप हमको क्या करना चाहिए? ये कुंडली मिलान या वो तो है कि कोई ऐसा टेक्निकल कोई इश्यू नहीं है जिससे बच्चा होने में दिक्कत आए या वैसा, एज सच ये सब चीज राइट। लेकिन दूसरी एक चीज, वो मुझे जो लग रहा है, मेरा जो ओपिनियन है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप ये देखिए कि दोनों पर्सन इगोइस्टिक तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि दोनों इगोइस्टिक है और वो हम इजीली कुंडली से देख सकते हैं, दोनों इगोइस्टिक है देन तो प्रॉब्लम बढ़ या सकता एक है। एक इगोइस्टिक है और दूसरा जो है वो गुस्सवर हाँ है। हाँ तो फिर तो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये था, वो जो बोल रहे थे ना कि बोलना पड़ता है उनसे, कहना बड़ा मुश्किल होता है, उस पर मैं ये आंसर दे रही हूँ कि मैंने देखा कि जितने लोग मैरिड कपल्स होते हैं ना, जो जो डिवोर्सी होते हैं, उनमें बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो हमेशा पुराना दिन याद करके बोलते हैं कि भाई ये दिन बड़े अच्छे थे साथ में। गुड नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मॉर्निंग सर। सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, सर। क्या हाल है आप लोगों के? बस बस सर, बहुत सब बढ़िया बढ़िया सर, सर। आप बताइए। हाँ, क्लास में अभी सुबह सुबह 8:30 बज रहे हैं ना, तो लोग थोड़ा सा कम आए हैं, संडे का दिन है। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो पहुंच ही जाएगी उनके पास। और देसाई साहब, आप तो एज यूजुअल क्लास में टाइम से पहले। रेडी रेडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो पैशन है सर मेरा, नमस्कार ये सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार 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 नमस्कार, अब मैंने बिल्कुल ठीक इसको बात। सर जीत बना लिया है, नहीं चाहे नहीं ये कुछ बना के भी हो रखना जाए, चाहिए। अंदर ऐसा उतर जाना है बस। ये अब यही है लाइफ, मैंने ऐसा सोच बिल्कुल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये टीवी वगैरह सब
वो सब टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा है इतना टाइम मैं इसमें डालूं। ये मेरा मतलब मेरा पर्सनल हुआ है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसका मैरिज का। देखिए मैरिज का विषय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई कुंडली मिला ली फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं मिलाई तो प्रॉब्लम हो गई, ऐसा क्या मतलब रीजन है। तो होता क्या है कि हम लोग जो नॉर्मली कुंडली मिलाते हैं बड़ी अटपटी टाइप की कुंडली मिलाते हैं, जैसे अष्टकूट गुण मिलान पे ही हम लोग निर्भर करते हैं कि हमने गुण कितने देख लिए, गुण इतने मिलते हैं और मांगलिक दोष देख लिया, उसके बाद हमने कहा भैया तुम्हारी कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है, उसके बेस पे हम लोग फैसला दे देते हैं। और रहा मांगलिक दोष का सवाल, तो मांगलिक दोष में भी क्या है कि कितने सारे भाव हैं जिनके अंदर मंगल बैठे तो मांगलिक दोष बनता है, तो ऐसे में क्या सभी के लिए मांगलिक दोष लागू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको इसमें पढ़ने के लिए। मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार जो मुहूर्त चिंतामणि में और जो सर्वार्थ चिंतामणि में दिया हुआ है उसके हिसाब से बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मंगल दोष ऐसे हैं जो 80% कुंडलियों में बेकार हो जाते हैं, परिहार हो जाता है इनका, वो भंग हो जाते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है, हम उनको मांगलिक ही बोलते रहते हैं। तो वो सब चीजें भी आज हम लोगों को देखनी होंगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये तो स्वर्ग में डिसाइड हो गया ऊपर कि भाई किसके साथ शादी होनी है। तो इसी में एक रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की चौपाई है, होई सोई जो राम रचि राखा, कोकोरी सकत तर्क बढ़ावे साखा। मतलब जो होना है वो तो होना ही है, तो तुम क्यों तर्क बढ़ा रहे हो, क्यों एफर्ट्स कर रहे हो, जो होना है वो तो होना ही है। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु खुश नामा। अब होता क्या है, हमने ये चौपाई सुन ली लेकिन इस चौपाई का मीनिंग हमने गलत ले लिया। ये चौपाई कब बोली गई थी, किस संदर्भ में बोली गई थी, इसके विषय में ये बहुत हमें मानना पड़ेगा, गहराई से देखना पड़ेगा कि इस चौपाई का आखिर मतलब क्या है। कि जो होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वैसा। तो वो देखने के लिए हम लोगों को ये देखना है कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान शिव बैठे हुए थे और भगवान पार्वती दोनों कैलाश पर्वत से धरती पे निहार रहे थे। कैलाश पर्वत से धरती पे निहारते वक्त पार्वती जी ने एक इंसान को, एक मनुष्य को देखा कि वो रोते हुए अपनी पत्नी को पुकार रहा है, सीता 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 सीता। तो पार्वती जी ने शिव से कहा कि देखिए ये मनुष्य है, बहुत परेशान है और रोते हुए अपनी पत्नी को पुकार रहा है, इसकी कुछ हेल्प करो। तो भगवान शिव बोले ये मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं ये, जिनका मैं नाम बसता रहता हूँ। तो पार्वती जी बोली आप कहना चाहते हैं कि ये राम है, वो बोले हाँ राम है। तो पार्वती जी बोली कि आप राम जिनके लिए इतना बोलते हो कि मेरे राम जो है मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं और मेरे भगवान हैं, और वो इस तरीके से अपनी पत्नी के लिए रोते हुए घूम रहे हैं जंगल जंगल, दर बदर भटक रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों है ऐसा। तब तुलसीदास जी, वो गोस्वामी जी ने वही चौपाई शिव भगवान ने उनको सुनाई कि देखिए मनुष्य रूप में इन्होंने जन्म लिया है, तो मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद इनको मनुष्य के हिसाब से कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो है सोई होई जो सोई राम रचि राखा, तो इसमें ऐसा नहीं कि भगवान है तो भगवान की तरह कुछ भी पता लगा ले, इनको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और इसी तरह की बात ये उसमें भी थी जब भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं और मुझे वहां जाना है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई जहां से बुलावा ना आए और आदर ना हो, चाहे वो पिता घर हो या गुरु का घर हो, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जो है वो नहीं मानी और वहां चली गई, और फिर जो हुआ वो हम लोग सभी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। हालांकि भगवान शिव ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी। तो इसी प्रकार से रामायण में भी एक वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे युद्ध में, तो संजीवनी बूटी ले जाते वक्त कालनेमी नाम का एक राक्षस मिला और कालनेमी ने कहा कि हनुमान जी तुम कहाँ जा रहे हो, ऋषि का रूप धारण कर रखा था उसने, आप ऐसा करो एक रात विश्राम कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी बोले नहीं जी, मेरे हाथ में संजीवनी बूटी है और मुझे ये पहुंचानी है अपने प्रभु श्री राम तक, उनका भाई लक्ष्मण बेहोश है, उनके पास तक ये बूटी पहुंचानी है। अरे वो तो तुम्हारे प्रभु हैं, श्री राम हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो तो अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम आराम करो, उन्होंने हनुमान जी से कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ठीक है, बात सही है, वो प्रभु हैं, सब कुछ है,
वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। वो भी कर्म कर रहे हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूं, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं जड़ी संजीवनी बूटी लेके नहीं जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि एफर्ट्स करने हमको जरूरी हैं। देखिए, होना तो वही है जो राम रची रखा, वो तो ठीक बात है बिल्कुल आपकी, लेकिन कर्म करने हमें जरूरी है। उस कर्म के करने से हम उस चीज के अंदर थोड़ा सा स्मूथनेस लेके आ सकते हैं। और इसको नहीं मानना चाहिए, कहीं भी इस चौपाई को लिखते वक्त भगवान ये राम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में या कहीं ऐसा नहीं कहा कि भाई आप कर्म मत करो, कर्म तो आपको करना ही करना है हर हालत में। तो ये एक हमारे बीच में थोड़ी सी लाइन आ जाती है, हम ये सोच लेते हैं कि भाई जो कुछ होना है तकदीर में लिखा है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तकदीर में लिखा होता है, उसमें कुछ नहीं है। वो तो भगवान श्री राम को भी भुगतना पड़ा, भगवान शिव की वाइफ सती को भी भुगतना पड़ा, जो उनकी तकदीर में लिखा था इतना समझाने के बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने एफर्ट्स किए, भगवान ने जब एफर्ट्स किए तो हम तो इंसान हैं तो हमें तो एफर्ट्स करने ही चाहिए। हमें तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई आप एफर्ट्स करो, सोचो चीजों को, समझो, अपनी एग्जाम्पल दी उन्होंने। तो आज हम उसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इस चीजों को देख सकते हैं। शादी का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग शादी में कई रिश्ते इतने अच्छे अच्छे आते हैं और हम लोग सिर्फ एक अपनी गलती की वजह से उन रिश्तों को मना करवा देते हैं कि नहीं यहाँ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जी, ये तो घोर मांगलिक है जी, ये तो आंशिक मांगलिक है जी, ये तो डबल मांगलिक है जी, ये तो ट्रिपल मांगलिक है, इस तरह की बातें हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, जो हमने अपने गुरु जी से सीखा वही मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि क्या। और ये शास्त्रोक्त विधि है, मुहूर्त चिंतामणि अगर आप लें तो पढ़ सकते हैं सुरेश चंद्र मिश्रा जी की, उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, सर्वा चिंतामणि के अंदर भी ये दिया हुआ है। दो तीन किताबें हैं जिनका रेफरेंस लेके शास्त्रों से ही ये तैयार किया गया है और हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया और हम इसी बेस पे पत्रिका देखते हैं और शादियां बहुत सफल होती हैं, अभी तक तो बहुत सफल रही हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, सो कॉल्ड मंगली, जिनको लोग मंगली बोल रहे थे, उनकी शादी हमने नॉन मांगलिक से कराई है। तो डिपेंड करता है कि मंगली क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, वो सब चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। और मंगलिक और अस्कुट मिलान के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, वैधव्य योग है, काकबंध्या योग है, विधुर योग है, विवाह में सब चलेगा ही चलेगा, दशा आपस में कैसी है, वो सारी चीजें भी आपको देखनी होती हैं। जब आप उन सब चीजों को देखते हैं तभी डिसाइड करते हैं। आप कहते हैं कि जी 36 में 24 गुण मिल गए लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही आपस में पति पत्नी में, तो पति पत्नी तो आपस में फिर भी परेशान है। तो इसका रीजन यही हो जाता है कि हमने बाकी चीज नहीं देखी, हमने उस वक्त दशा नहीं देखी कि क्या दशा थी जब शादी हुई, क्या दशा नहीं थी, क्या कुछ कम ऐसी ऐसा योग था कि संतान ना होने का योग हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो वो सब चीजें हम लोगों को इस लेक्चर, इस शॉर्ट टर्म कोर्स में सीखनी है। और मैं आशा करता हूं कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी कुंडली मिला सकेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं होगी और शादियां के लिए जो लोग आपके पास आएंगे आप शादी करा सकेंगे बड़े आराम से, बहुत ज्यादा मना नहीं होगा चीजों को, जो अब आज की डेट में मना हो जाता है जरा जरा सी बात पे, या जरा जरा सी बात पे हाँ हो जाती है केवल अस्कुट गुण मिलान देख के, वो चीज इसमें नहीं होगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाता हूँ, आपके पास वो प्रेजेंटेशन का पीपीटी पहुंच जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, पीपीटी आपको दे देंगे ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था कि भाई इस चीज को जितना फैला सकते हो उतने फैलाओ, और मैं ये आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस चीज को जितना फैला सकते हैं फैलाएं। तो इसलिए मैं आपको इसका पीपीटी भी रिकॉर्डिंग के साथ आपको दूंगा। तो चीजों को आप ध्यान से सुनते रहिए, नोट करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट तो आप जब पीपीटी आएगा तो नोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ये आती है इसके अंदर के विवाहों के टाइप दिए हुए, अब विवाह कौन कौन से विवाह होते हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि दोनों पक्षों की सहमति से होता है और उसमें लड़की की सहमति भी होती है, लड़के की सहमति भी होती है, वो ब्रह्म विवाह होता है और उसके हिसाब से विवाह किया जाता है, जो कि एक उत्तम विवाह होता है। नॉर्मली हम लोग सनातन धर्म के अंदर अपने ब्रह्म विवाह को ही तवज्जो देते हैं। ब्रह्म विवाह होता है जहां लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पति पत्नी माँ बाप एक दूसरे को समझते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। एक होता है देव विवाह।
उसमें होता है किसी सेवा कार्य के लिए, किसी सेवा के उद्देश्य के लिए मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना, दान कर देना, वो भी एक विवाह कहलाता है। कि भाई आप एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आप एक धार्मिक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको अपनी कन्या दान कर दी, तो वो भी एक विवाह कहलाता है, उसको देव विवाह कहते हैं। यह विवाह उत्तम विवाह नहीं होता, लेकिन मध्यम विवाह जरूर रहता है, इसमें भी ऐसा होता है। एक विवाह होता है आर्ष विवाह। अब तो ये विवाह के मामले में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी इस तरह के विवाह हमारे समाज में प्रचलित है। एक विवाह होता है आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वाले क्या करते हैं कि वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य दे देते हैं कि भाई हमने आपको इतने मूल्य दे दिया, मतलब दहेज वर पक्ष वाले देते हैं, तो आप हमें कन्या दे दीजिए, और कन्या को वो फिर वो कन्या को ले लेते हैं। तो ये एक विवाह जो कहलाता है, ये अर्ष विवाह कहलाता है। एक होता है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या के माता पिता, ये विवाह भी कुछ प्रचलित है, अभी तो नॉर्मली काफी कुछ हट गया है, लेकिन गांव में या इंटीरियर में अभी भी ऐसा होता है कि कन्या की सहमति के बिना माता पिता जो है उसका किसी भी समाज में किसी भी उसमें शादी तय कर देते हैं, और वो शादी करना आवश्यक हो जाता है, कन्या की सहमति नहीं होती, तो वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। तो ऐसा विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है, जहाँ कन्या की सहमति के बिना उसका रिश्ता कर दिया जाता है और उसकी विवाह कर दिया जाता है। जहाँ कन्या की सहमति भी होती है और सब कुछ मिलकर बात की जाती है, वो ब्राह्मी विवाह है, जो कि श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। तो इस तरह के विवाह भी समाज में होते हैं, प्रजापत्य विवाह टाइप के जो विवाह है वो भी विवाह समाज में होते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या है, जो नॉर्मली प्रेम विवाह का रूप है, जो प्रेम विवाह हम लोग सुनते हैं वो गंधर्व विवाह होता है। एक होता है असुर विवाह। उसमें क्या है कि कन्या को खरीद लेते हैं आर्थिक रूप से, कि कन्या को खरीद लिया और उसके बाद विवाह कर लिया, वो असुर विवाह होता है। एक राक्षस विवाह होता है कि कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया, तो वो राक्षस विवाह है। ऐसी एक होता है पिशाच विवाह, वो भी बहुत निम्न टाइप का विवाह है। उसमें क्या होता है कि कन्या की मदहोशी का फायदा उठाकर, उसकी निद्रा का फायदा उठाकर, उसकी मानसिक दुर्बलता का फायदा उठाकर, या कुछ नशे की चीज देके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है, तो यह पिशाच विवाह होता है। तो इस तरह के कुछ विवाह थे जो समाज में प्रचलित थे और आज भी चलते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के विवाह को आज भी आप देख सकते हैं, जहां लड़कियों को खरीदा जाता है, या जहां कन्या की सहमति के बिना उसका किडनैप कर लिया जाता है, विवाह कर लिया जाता है, या जहां पे ये पिशाच विवाह होता है, इस तरह के विवाह आज भी होते हैं। प्रजापत्य विवाह भी मिलता है, ब्रह्म विवाह भी आजकल मिलता है, और गंधर्व विवाह भी होता है। ये प्रेम विवाह तो आजकल काफी प्रचलित प्रचलन में है, बच्चों में तो वो विवाह भी आजकल होते हैं। तो ये इस तरह के विवाह हैं। अब इन सब विवाहों को ध्यान में रखते ही आपको कुंडली का मिलान करना, तो कैसे हम लोग आगे चलें, कैसे आगे बढ़ें, ये सब चीज देखनी है। इसके साथ साथ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं कि हमें देश काल परिस्थिति का बदल ध्यान रखना है, कि आज की डेट में कैसा हिसाब चल रहा है, क्या समाज की रीतियां चल रही हैं, उसको भी हम लोगों को ध्यान रखेंगे, तब हम लोग ठीक से कुंडली मैच कर पाएंगे। समय के साथ साथ और देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव समाज में बहुत आया है, पहले से बहुत बदलाव समाज में आया है। शास्त्र के अनुसार क्या है कि अगर 18 से गुण अधिक मिल जाए, 18 या अधिक गुण मिले 36 में से 80 गुण मिलान में, तो विवाह कर सकते हैं, शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो ये आपको कुछ जरूरी बातें मैं बता रहा हूँ। उपाय पर आधारित कुंडली मिलान से बचें, जो हम लोग कह देते हैं ना कि भाई आप ये विवाह कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए और इस तरीके से विवाह आपका हो जाएगा, इस तरह के उपायों से बचने की कोशिश कीजिए। उपाय होते हैं, ऐसा नहीं उपाय है, वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो कहाँ है वही चीज उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ तो केस में हर जगह उपाय बता दिए जाते हैं कि भैया आप घट विवाह कर लो, आप विष्णु विवाह कर लो, आप वृक्ष के साथ विवाह कर लो, तब शादी कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं शादी कर सकते। तो ये उपाय पे आधारित कुंडली मिलान से आपको बचना चाहिए। हर चीज में उपाय कर बता देना, उपाय की जरूरत जहां पर है वहां पर ही बताना, वही सही। विवाह के लिए मांगलिक दोष को लेना बहुत जरूरी है, परंतु कौन से मंगल को छोड़ना या कौन से मंगल को लेना, ये बहुत जरूरी है। हम हर मंगल को पकड़ लेते हैं,
कि भैया एक चौथा पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में मंगल बैठा तो वो मांगलिक है। और साउथ इंडिया में तो ये होता है कि वो दूसरा भाव भी ले लेते हैं दक्षिण भारत में। अब बताओ दूसरा भाव भी अगर ले लिया तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, बारहवां भाव हो गया। यानी कुंडली के छह भावों में अगर मंगल हो तो वो इंसान मांगलिक, तो मांगलिक की परसेंटेज तो बहुत बढ़ गई। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात लें तो 12 में से 5 स्थानों में मंगल हो तो मांगलिक। तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। और इस बेस पे हम लोग कई कई रिश्ते कैंसिल कर देते हैं कि भाई लड़का तो मांगलिक है और लड़की से शादी नहीं बनेगी, या लड़की कोई बहुत अच्छी है और वो देख लेते हैं कि उसका मंगल इन भाव में बैठा हुआ है कि भाई लड़की तो मांगलिक है, आपके लड़के से शादी नहीं कर सकते, ये तो परेशान करेगी और आपके लड़के की उम्र के लिए, आपके लड़के के जीवन के लिए ये खतरा है, और इतना अच्छा रिश्ता हमारा निकल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था जो हमने सीखा कि मोर देन 80% कुंडलियों में मंगल दोष का भंग हो जाता है। और घोर मांगलिक और ट्रिपल मांगलिक, डबल मांगलिक से आपको बचना चाहिए। ये बहुत मार्केट में वो चीज है कि किसी को भी बोल देते हैं वो लोग घोर मांगलिक है। डबल मांगलिक किसे बोलते हैं? डबल मांगलिक बोल देते हैं कि भैया अगर लगन से भी मांगलिक है और चंद्र लगन से भी मांगलिक है। लोगों में तो प्रचलन ये है कि वो लगन से भी मांगलिक देखते हैं, चंद्र लगन से भी देखते हैं, शुक्र से भी देखते हैं। अब तीन लगन से अगर आप मांगलिक देना शुरू कर दिए और 12 में से 5 स्थानों में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक होता है, तो भैया कौन मांगलिक नहीं बचेगा, हर ही कोई मांगलिक हो जाएगा करीब करीब। तो ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों से बचे हम लोग। हम क्या करते हैं कि लगन से मंगल देख लिया कि साहब मांगलिक है, चंद्रमा से देख लिया कि साहब मांगलिक है, तो बोल लिया जी तो डबल मांगलिक है, ये तो बहुत खतरनाक मामला हो गया, उपाय कीजिए इसके लिए। तो या ये ट्रिपल मांगलिक है तो शुक्र से भी मांगलिक है, लगन से भी मांगलिक है, चंद्र से भी मांगलिक है, शुक्र से ही मांगलिक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको लगन से ही देखना है, किसी और हिस्से से नहीं देखना। जो मांगलिक देखना है वो आपको लगन से देखना है, ना कि चंद्र लगन से और शुक्र के लगन से मांगलिक नहीं देखना, ये आप ध्यान रखिए। और कौन सा मंगल लेना है, कौन सा मंगल नहीं लेना है, वो आपको आज मंगल दोष में बताएंगे। उसके बाद अस्कुट गिल मिलान और फिर वैधव्य योग वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। जो मांगलिक के लिए शास्त्र में सर्वा चिंतामणि में श्लोक दिया है वो कहता है कि लगने व्यये वे पाताले जामित्रे चय अष्टम कुजे कन्या भर्तुर विनाशनम, जो ये श्लोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगने व्यये यानी लगन में हो, व्यय भाव में हो, मंगल लगन भाव में हो, व्यय भाव में हो, पाताले, पाताले बोलते हैं चौथे भाव को, चौथे भाव को पाताल का भाव बोला जाता है, पाताले, जामित्रे, जामित्रे बोलते हैं मंगल को, कि लगन में हो, व्यय भाव में हो या चौथे भाव में हो, अष्टम कुजे कन्या भर्तुर विनाशनम। अष्टम कुजे, जामित्रे जो वर्ड आया है, जामित्र बोलते हैं पत्नी को, कुजे बोलते हैं मंगल ग्रह को, कुछ बोलते हैं क्योंकि कुजा कुजा कुछ आप जानते होंगे, कुजा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मंगल भी बोलते हैं उसको, भूमि पुत्र भी बोलते हैं, तो कुजा बोलते हैं उसको। तो लगन में हो, व्यय भाव में हो, पाताल भाव में हो, चौथे भाव में हो यानी, जामित्र भाव में हो, सप्तम भाव में हो और अष्टम भाव में हो, तो उसको कहा जाता है कि ऐसे में कन्या भर्तुर विनाशनम, ऐसे में विवाह का विनाश होता है और कन्या का जो पति है उसका भी सब विनाश होता है, ऐसा करके उसमें श्लोक बोला गया है। और दक्षिण भारत में तो यही दोष दूसरे भाव के लिए भी कहा गया है। लेकिन अर्थ जो है इन चीजों का वो निकालना बहुत जरूरी है, और वो शास्त्रों में है। किसी किसी ने कहीं से ये श्लोक उठा लिया और वो श्लोक लेके बैठ गए कि भैया आप तो लगन में है, व्यय में है, इन भावों में है, तो वो समझो कि वो तो मांगलिक है। लेकिन इनका असली अर्थ नहीं देखा, इनकी असली व्याख्या नहीं देखी, शास्त्र नहीं पढ़े, जिसकी वजह से जो नॉलेज थी वो आधी रह गई। और कहते हैं कि नीम हकीम खतराई जान, और थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बहुत ज्यादा उससे। तो अब मंगल दोष के परिहार बहुत है। कैसे परिहार है ये मैं आपको बता दूं मंगल दोष का। अगर वर और वधु दोनों की पत्रिका में मंगल दोष हो तो ये भंग हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा कि भैया जिसकी पत्रिका में मंगल दोष हो उसकी शादी मंगलिक से करा दो तो मंगल दोष भंग हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा, सुख में वृद्धि होगी उनके, ऐसा शास्त्रों में कहा गया।
कहा गया है कि वर वधु दोनों की पत्रिका में यदि मंगल दोष हो तो ये भंग हो जाता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है शास्त्रों में कि लगन से केंद्र में यदि गुरु व शुक्र हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल इन चारों भावों में बैठा हो, पांचों भावों में, और लगन से केंद्र में यदि गुरु और शुक्र हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है, या मंगल के साथ गुरु शुक्र बैठे हों तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए कितने मंगल दोष आपके कम हो जाएंगे। आपने मंगल दोष तो देख लिया, लेकिन ये नहीं चेक किया आपने कि गुरु और शुक्र जो हैं वो लगन से केंद्र में बैठे हैं या वो मंगल के साथ बैठे हैं। सर यहाँ तो पे गुरु और शुक्र दोनों या सिर्फ कोई भी एक हो? दोनों में से कोई सा भी एक, गुरु शुक्र में से, गुरु और शुक्र दोनों में से कोई सा भी एक अगर मंगल के साथ बैठा हो या मंगल या लगन से केंद्र में हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है, और पांच भाव में मंगल बैठा हो तो मंगल दोष भी भंग हो जाता है। फिर ऐसे इंसान की शादी को आप किसी नॉन मांगलिक लड़की से, मतलब मंगल दोष खत्म हो गया तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ हाउस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हूँ नहीं, सर, सरप्राइजिंगली मांगलिक सर दोष जो मेरे होता है वो पास, होता है फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में। नहीं सर गुरु और शुक्र के फर्स्ट से हाँ फोर्थ गुरु, तक। हाँ गुरु वही है, पहले चौथे सातवें दसवें भाव में बैठा हो, हाँ केंद्र में जी बैठा हो, या हाँ जी मंगल या शुक्र के साथ बैठा हो। जैसे मंगल मान लिया आपका सातवें भाव में बैठा हुआ है तो मंगल दोष हाँ हो गया जी उसको, और वहां हाँ शुक्र आके जी बैठ गया सातवें भाव में, या हाँ जी गुरु हाँ आके जी बैठ हाँ जी गया तो मंगल हाँ दोष जी खत्म। अच्छा ठीक है, जी हाँ हाँ जी तो ये आपको ध्यान रखना है सर कि मेरे पास मंगल एक दोष, कुंडली है हाँ जिसमें मंगल और वीनस दोनों साथ में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और जी उनकी कुंडली जिन्होंने भी देख के सब लोग बोलते हैं कि आप घोर मांगलिक हैं, ना, नहीं खत्म हो शुक्राणु गया कुंडली, और दोष, उनकी शादी अब तक चली आ रही है अच्छे से खत्म हो गया दोष, बिल्कुल जी। एकदम खत्म हो गया दोष। गुरु और शुक्र इनका आशीर्वाद अगर मिलता है तो आपका दोष एकदम खत्म हो जाता है। एक, सर अगर हाँ दृष्टि दृष्टि पड़ रही हो, अगर बैठे ना दृष्टि पड़ रही दृष्टि हो पड़ने से इनकी। थोड़ा फर्क पड़ता है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, फिर आंशिक मांगलिक बोलना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छा केंद्र में जी हो और साथ हो, युति हो, तो इसका मेन है जो दिखा शास्त्रों में बताया गया है, मतलब या तो केंद्र में हो या साथ में हो ना, या आइदर साथ और, में मतलब हो। हाँ मान लो मंगल अष्टम में है और वहां पे गुरु या शुक्र भी अष्टम में है, या हाँ मंगल ट्वेल्थ में है और वहां पे गुरु या शुक्र दोनों में से ट्वेल्थ में है, तो हाँ मांगलिक दोष नहीं रहेगा उस मांगलिक केस दोष में। भंग हो जाएगा। अच्छा, और क्योंकि वर्णर केंद्र में ही जो आ गया तब तो वैसे भी ऊपर वाली जो सेकंड पॉइंट है वो तो वही दिखा रहा है, लेकिन जो हाँ आपका थर्ड पॉइंट जो है वो ऐसा है कि दोनों साथ में हो, तो यानी अदर देन केंद्र हाउस जो मतलब 1, 4, 7 के अलावा बाकी के जो बचे हुए दो हाउस है वहां पे यदि गुरु या शुक्र के साथ मंगल हो तो मंगल दोष का परिहार हो सकता है मंगल दोष ना। का परिहार हो जाता है। और ऐसे केस में आप किसी लड़की की पत्रिका में देख रहे हो तो लड़के से शादी करा सकते हैं नॉन मांगलिक से, और लड़के की देख रहे हो तो नॉन मांगलिक लड़की से शादी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बोल सर सकते हैं कि मंगल जैसे दोष होता है। हाँ सेवंथ बोल, हाउस में हमारा मंगल है और 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, तो क्या तब भी हाँ दोष तो दोष खत्म हो खत्म गया? हो गया ना, आपका खत्म हो केंद्र गया में ना, गुरु आ गया ना, केंद्र में आ गए। हाँ जी हाँ जी ठीक तो मंगल दोष खत्म हो गया आपका। अब उसमें सर। मैं एक या दो जगह अपवाद हैं, आप थोड़ा सा इसको भी आगे सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो एक्सेप्शन है एक या दो जगह, वो एक्सेप्शन एक बार सुन लीजिए फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देन हम डिस्कस करेंगे। आज हम मंगल दोष के बारे में ही जानेंगे थोड़ा, और कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से अष्टकूट मिलन गुण मिलान चालू करेंगे, फिर उसके बाद वैधव्य योग विदुर योग चालू करेंगे। अभी तो हम अष्टकूट गुण मिलान, ये सॉरी मंगल दोष के बारे में ही जानते हैं, तो पहले मंगल दोष हम समझ लेते हैं, उसके बाद विभिन्न डिस्कस के भाई हम कैसे मंगल दोष को और ले सकते हैं, क्योंकि मंगल दोष के बारे में कुछ और बातें आगे बताई गई हैं, वो आप सारी सुन लेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा मंगल दोष का पकड़ना। कहने का मतलब अभी फिलहाल ये समझ के चलिए आप कि मंगल दोष हो कुंडली में, मंगल पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें भाव में बैठा हो किसी कुंडली में, लेकिन लगन से केंद्र में गुरु या शुक्र आ जाए दोनों में से कोई सा एक ग्रह, या मंगल के साथ गुरु या शुक्र बैठ जाए कहीं भी इन भावों में, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। चंद्र लगन से भी मंगल दोष देखा जाता है, लेकिन हम इसको जरूरी नहीं मानते, इसको मैं मतलब हमारे गुरुजी ने कहा कि इसको जरूरी नहीं मानना है, अतः मंगल को दोष जो है वो लगन से ही देखना चाहिए, चंद्र लगन से नहीं देखना चाहिए। अच्छा यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को ध्यान देनी है,
कि ग्रह जो होता है अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव रखता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब एडवांस पढ़ाया था उसमें बताया था कि ग्रह जो है वो हमेशा अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव रखता है। जो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है उसके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं और ग्रह के अंदर वही प्रभाव आ जाता है। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर अष्टम भाव में हो तो उस ग्रह में अष्टम भाव के रिजल्ट ज्यादा आ जाते हैं, अष्टमेश के रूप में वो काम करना शुरू कर देता है। समझ गए ना आप? तो मूल त्रिकोण राशि का बहुत फर्क पड़ता है, तो ये देखना जरूरी है कि मूल त्रिकोण राशि कहाँ है। और ऐसा मंगल जो बैठा हुआ है कुंडली में आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में, उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, ये देखना बहुत जरूरी है। मंगल की मूर्ति हाँ मतलब एक नंबर अष्टम में आया या 6 8 12 में ऐसे मूल त्रिकोण आई, मतलब एक नंबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मंगल उसकी की बात मूल त्रिकोण करें। राशि देखो, क्या वो 6 8 12 भाव में है? अगर वो 6 8 12 भाव में है और पहला, चौथा, सात केंद्र में, 6 8 12 में मंगल, आप सोच लीजिए कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है और उसकी मूल त्रिकोण राशि 6 8 12 में है, तो मंगल दोष है, तो आप मांगलिक कहिए। मतलब केंद्र में बैठने के बाद भी अगर मूल त्रिकोण 6 8 12 में गई तो मंगल दोष आ गया। केंद्र बैठने बाद नहीं, एक चार, एक चौथे, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में अगर अच्छा आपका, हाँ, ठीक है हाँ जी मंगल बैठा हो कुंडली में और मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो, तो ऐसे में मंगल मांगलिक दोष बन जाता है। ठीक है सर। और अगर साथ में राहु बैठ गया मंगल के, तो भैया बिल्कुल शादी के लिए मना कर दीजिए, सोचना ही नहीं है आगे, ना गुण मिलाने ना कुछ मिलाने, सर आपको फिर कुछ नहीं करना उसके आगे। थोड़ा इस केस में मान सा लो गुरु या शुक्र केंद्र में आ गए तब हाँ, भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब राइट। पड़ेगा, अब एक पड़ेगा, अब कुंडली पड़ेगा, देखते हैं हाँ पड़ेगा, सर। पड़ेगा। गुरु सर एक कुंडली से शुक्र अगर थोड़ा केंद्र में कोई आ जाएं या साथ बैठ जाएं ऐसे केस में भी, तो फर्क पड़ता है, बात लेकिन नहीं कहाँ पड़ता है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। अभी सर, अभी नहीं आप इतना मतलब ध्यान राहु रखिए। हाँ मतलब ये पॉइंट है जो आपने यहाँ पे बताया, इसमें आगे आपने क्या बताया गुरु शुक्र हो तो मंगल दोष निकल जाएगा राइट। सर, इसको हाँ कुंडली से एक्सप्लेन करिए ना सर, थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा डायग्राम रहेगा बना। सर। हाँ, कुंडली हाँ से जिसमें बताऊंगा मैं आपको, कुंडली से ही बताऊंगा। अभी पहले इसको खत्म कर अच्छा लें, फिर मैं कुंडली दिखा के ही बताऊंगा, मैंने लगा रखा है इसलिए तो इसको सर बताऊंगा। उसमें नहीं उसमें इस पॉइंट सर, को अपन एक एक डिस्कस कर आप लेंगे जो एक फिर। एक टॉपिक इस पे अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो कुंडली में अगर बताएं तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। एक सेकेंड, सर वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि तो वो होती है सिंह राशि लियो होती है नहीं ना, ना मूल त्रिकोण एक ही मेष, नंबर मेष, एक नंबर एक एक नंबर नंबर हाँ मेष। मेष हाँ सॉरी गलती लगी मेष है तो मेष फिर हमें मंगल देखने सॉरी नहीं, मेष राशि आपको अच्छा दिखनी है कि मेष राशि कहीं छठे, आठवें, बारहवें भाव में तो नहीं आ रही है। जी ये मंगल दिखने मंगल एक चार हाँ सात आठ बार में कहीं पर भी हो और मेष राशि 6 8 बार में जाए अच्छा ऐसा जी ठीक हाँ है इन ओके दैट थैंक यू। केस। हाँ जी थैंक यू चलिए, मैं अभी आगे कुंडली इसके दिखाई हुई है ना, कुंडली आपको दिखा देता हूँ अभी इसको, तो एक सर। आप सेकंड। जो पॉइंट एक है एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो डायग्राम से आता है, कुंडली में अगर हाँ, वो एक्सप्लेन करें तो डायग्राम ज्यादा आगे अच्छा। इसके, इस स्लाइड के बाद डायग्राम ही दिखाया हुआ है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे ये देखिए, अब ये मंगल यहां बैठा हुआ है, ये इस कुंडली को देख के जो भी देखेगा वो कहेगा जी तो मांगलिक दोष है। मंगल पहले भाव में भी बैठा हुआ है, मंगल चौथे भाव में हो सकता है किसी के, किसी के सातवें भाव में हो सकता है, किसी के आठवें में हो सकता है, किसी के बारहवें में हो सकता है। तो अगर मंगल इन भावों में से कहीं एक जगह बैठा हो तो हम कह देंगे ये मांगलिक दोष है। लेकिन इसके अंदर मांगलिक दोष का भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मूल त्रिकोण राशि का नहीं वो तो वैसे भी एक नंबर इस कुंडली में तो 6 नंबर में आ गई ना प्रॉब्लम ये इसमें है मूल त्रिकोण राशि लेकिन छठे भाव में है इसकी, हाँ ठीक है? तो मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होने से, और मंगल अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसके कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मंगल यहां बैठा हुआ है और इस मंगल की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर भाव में है, तो ऐसे केस में मंगल दोष हो जाएगा इसका। और मान लो सर यहाँ पे दो ये जो मंगल सप्तम में है और वहां पे गुरु आ गया तो हाँ, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा ओके हूं, ओके वहीं आ ओके रहा हूं, तो ये मंगल दोष हो जाएगा। अच्छा, सर मंगल, सर मंगल अगर
आपका 12th फर्स्ट और बाकी जहां लिखा हुआ है वहां पे भी होगा तो भी तो मंगल दोष हुआ। हाँ आगे बता रहा हूं, मंगल फर्स्ट में भी बैठा है तो तो भी फर्स्ट में मंगल मंगल दोष। दोष नहीं होगा क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वय राशि का बैठा हुआ सर अगर मंगल अगर सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में आए और उसके है। ऊपर हाँ किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़े तो कैसा? नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि से कुछ नहीं होगा, वो आप अभी आगे जा रहे हैं, मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि एकदम ये ध्यान रखिए आपका, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सबसे मुख्य क्या? बात यह है कि हाँ अगर ऐसे में मंगल के साथ गुरु या शुक्र हो या लग्न से केंद्र में गुरु शुक्र हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ये वाला भी। ओके अगर ओके मंगल की क्लियर। मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में हो, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में हो और मंगल इन भाव में बैठा हो जहां पे मंगल दोष बनता है जी तो मंगल दोष लगता है, लेकिन अगर गुरु शुक्र केंद्र में ना हो या उनके साथ ना बैठे हों तो फिर मांगलिक कह दीजिए आप उसको। आप 1 मिनट के लिए गुरु और शुक्र को भूल जाइए, आप इतना याद रखिए कि मंगल दोष लगेगा अगर मूल त्रिकोण राशि उसकी छठे भाव में है, तो जहां भी मंगल बैठेगा मतलब उन हाउसेज में जिन हाउस में मंगल दोष लगता है तो उसको मंगल दोष हो जाएगा एक्सेप्ट लगन, क्योंकि लगन में स्वय राशि है तो स्वय राशि के अंदर भी मंगलिक दोष नहीं लगता, मांगलिक दोष इसको यहां भी लगेगा, मांगलिक दोष इसको यहां भी लगेगा, यहां तो चूंकि छठे भाव में ही आ गया वो, मांगलिक दोष इसको यहां भी लगेगा, मांगलिक दोष इसको यहां भी लगेगा, मांगलिक दोष इसको यहां भी लगेगा। अगर गुरु शुक्र भी केंद्र में या लगन इनके साथ नहीं बैठे हैं, मान लिया गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे और शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ना तो इनके साथ बैठा और ना केंद्र लगन में बैठा, केंद्र में बैठा, तो ऐसे केस में मांगलिक आप इनको बोल सकते हैं कि हाँ ये मांगलिक और इनकी शादी मांगलिक से ही होगी और बिना मांगलिक के नहीं होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, कि हाँ अगर एक नंबर राशि जो है छठे भाव में ना हो और हाँ बाकी इनमें से किसी भी जगह पे मंगल हो हाँ तो भी दोष लगेगा? नहीं अच्छा आप वही ये बोल बताने रहे हैं। की, हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, अभी आगे वही बता रहे हैं। उसमें केवल आपको फिर इतना देखना है कि आपका मंगल कहीं उससे मंगल से स्वय राशि में तो ना हो, एक नंबर वन का ये परिहार है। दूसरा परिहार ये है कि गुरु शुक्र केंद्र में ना हो और गुरु शुक्र उनके साथ ना बैठे हैं, तब मंगल दोष है। अगर गुरु शुक्र केंद्र में आ गए या उनके साथ बैठ गए तो मंगल दोष खत्म, वो तो एनीवे वो तो खत्म हो गया ना सर, वो खत्म एनीवे हो वो गया। खत्म हो गया, और बराबर हो मंगल इन जाएगा। भावों में है जहां पे मंगल दोष लगता है और साथ में राहु आ गया, फिर बिल्कुल मना कर दीजिए आप कि मतलब भैया फिर ऐसे में, तो गुरु शुक्र हो तब भी मना कर देना है। तब भी मना कर देना है, ऐसे में आपको बोलना है कि भैया आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तब आप किसी मंगलिक से शादी कराइए उसकी। मतलब देखिए मंगलिक से शादी कराने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सर अभी जैसे अष्ट में आपने ये वृश्चिक राशि है तो उसमें अगर मंगल उसी राशि में बैठा स्वग्रही है और राहु भी उसी में साथ बैठा तो भी एक दोष लगेगा सर? हाँ बिल्कुल दोष लगेगा, मैंने बताया ना आपको कि मूल त्रिकोण राशि छठे में है, इसकी छठा भाव जो होता है, छठा आठवां बारहवां भाव जो होते हैं ये भाव अशुभ भाव होते हैं, तो छठे भाव में अगर वो अपनी राशि का भी बैठ जाए, स्वयं राशि का भी बैठ जाए, तब भी मंगल दोष उसको लगेगा इस वाले भाव में। लेकिन यहाँ मंगल दोष लगेगा नहीं क्योंकि मंगल का यहाँ पे काउंट होता नहीं है, मंगल का काउंट होता है दोष यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो मंगल सर चूंकि यहाँ बैठा हुआ है लगन में 8 नंबर राशि में तो इसको दोष नहीं लग रहा है, स्वयं राशि का दोष नहीं लगा, ठीक है। लेकिन सर वहां छठे पे भाव में राहु तो भी मंगल बैठ गए दोष हैं होता ही तो नहीं है, नहीं, सर वहां पे अगर अष्ट में लग्न में अगर राहु भी आ गया तो सर? हाँ तो हाँ मंगल के साथ अगर राहु भी आ गया फिर तो प्रॉब्लम है सर राहु दृष्टि दे रहा हो तो ना, दृष्टि नहीं, नहीं, दृष्टि नहीं, अच्छा सिर्फ युति, बैठने। मतलब आपके जो बाजार में सो कॉल्ड योग फेमस है ना, अंगारक दोष बोलते हैं जिसको बाजार में, जी तो वो ही मतलब समझ के चलिए, क्योंकि मंगल भी तेजी का कारक है और राहु भी बाहुबल का कारक है, तो दोनों ग्रह मिल जाते हैं, तो ऐसे में घुसेबाजी होना पक्की तय है। एक अब मान लो यहाँ पे 8 की जगह पे 10 नंबर होता फर्स्ट हाउस में हाँ और वहां पे मंगल होता तो वहां हाँ तो उच्च राशि उसकी बन गई तो फिर मंगल दोष नहीं लगेगा वहां, मंगल दोष वहां पे लगेगा, लेकिन गुरु शुक्र को देखना है आपने कि वहां बैठे नहीं बैठे केंद्र में। नहीं। सर आपने वहां पे आगे की स्लाइड में क्या लिखा है, उच्च हाँ की राशि भी हो तो? अब देखिए हाँ आगे की हाँ स्लाइड, तो भंग हो क्योंकि जाएगा, हाँ क्योंकि वहां तो उच्च, वो तो उसकी उच्च राशि हो गई मकर तो उच्च हो वहां गया ना तो। उसका, हाँ तो वहां तो मंगल तो उच्च का बनेगा बिल्कुल तो फिर चाहे मतलब 10 नंबर में जब मंगल हो, ये मंगल दोष जिस जिस हाउस में लगते हैं वहां 10 नंबर हो
हाँ फिर मंगल दोष वहां उसका नहीं परिहार हो लगेगा, जाता है, बराबर है ना? वहां पे परिहार हो जाता है उसका, अगर उच्च राशि उसकी अपनी है या या नहीं, स्वर राशि उसकी अपनी है तो वहां पे वो परिहार हो जाता है। मतलब सर एक एक और आठ भी दस पूछना है नंबर सर, में। सर एक और पूछना है सर, अगर ये मंगल अगर समझे लग्नेश है, अष्टम में बैठा हुआ लग्न में, उसके साथ राहु है और गुरु भी बैठा हो, तो भी मंगल दोष कैसा रहेगा सर? हाँ वो खत्म हो जाएगा, मैं आपको वही आगे बताने जा रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक बार देख लीजिए तो हाँ थोड़ा आपको ओके आइडिया ओके हो जाएगा। हाँ वो आप, वो दोष खत्म हो जाएगा। देखिए दोष गुरु और शुक्र के बैठने से कहाँ खत्म होगा कहाँ नहीं होगा, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ओके ओके मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है और गुरु और शुक्र आपके केंद्र में आ गए या लगन से केंद्र में आ गए या आपके साथ बैठ गए, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन दो जगह प्रॉब्लम है कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो। तो ऐसे में अगर बारहवें आठवें भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि आती है और मंगल इन भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव में, इन भाव में से जहां मंगल दोष लगता है, तो वहां ये आप सोचिए कि ये घोर मांगलिक हो गया, ये मांगलिक हो गया आपका, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि यहां बैठ पड़ी हुई है। तो ये मांगलिक दोष आपका बनता है अष्टम भाव में। तो ऐसे में ये स्वयं राशि का भी हो तब भी ये दोष भंग नहीं होता। अगर ये स्वयं राशि का भी हो, यहां पर मंगल स्वयं राशि का भी है, आप कहें भी तो स्वयं राशि का है, लेकिन तब भी दोष भंग नहीं होता अगर आठवां भाव हो। 6, 8, 12 तीन भाव आपको याद रखने हैं। छठा भाव के बारे में तो बता दिया कि छठे भाव में अगर मंगल की मूल त्रिकोण राशि है तो स्वयं राशि होने पे, उच्च राशि होने पे मंगल का दोष का परिहार हो जाता है, या मंगल गुरु गुरु और शुक्र साथ बैठे हों तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन यदि मंगल की मूल त्रिकोण राशि आठवें भाव में हो और बारहवें भाव में हो, ऐसे केस में मंगल अगर स्वयं राशि का ही बैठा हो तो भी मंगल दोष का परिहार नहीं होता। और सर गुरु या शुक्र, सिक्स हाउस नहीं मैटर करता सर इसमें, सर हाँ जी, सिक्स हाउस नहीं मैटर करता इसमें। नहीं सिक्स हाउस मैटर नहीं करता, क्योंकि सिक्स हाउस में तो बनता ही नहीं ना मंगल दोष, ओके मंगल दोष बनता ही आपके पहला, चौथा, पहले हाउस में, चौथे हाउस में, सातवें ठीक, हाउस में, आठवें हाउस में और बारहवें हाउस में। आठवें हाउस में और 12वें घर में अगर मंगल के साथ में गुरु या शुक्र है बैठे हैं तो मंगल दोष कुछ नहीं खत्म भंग हो होगा, जाएगा। बिल्कुल साफ लिखा है इसके अंदर। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर ऐसे मंगल के साथ गुरु या शुक्र भी हो या लगन से केंद्र में गुरु शुक्र हो तो मांगलिक दोष भंग नहीं होता है। ये मांगलिक है जो हम मांगलिक बोलते हैं। अगर मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आठवें भाव में बैठा हुआ है या बारहवें भाव में बैठा हुआ है तो वो समझिए कि वो मांगलिक है। उसको आप बोलिए कि भैया आप मांगलिक हैं और आपकी शादी किसी मांगलिक से होनी है, अगर किसी और लड़की से कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको घट विवाह कराना पड़ेगा या पीपल के वृक्ष का विवाह कराना पड़ेगा। और साथ में अगर राहु आ जाए तो ऐसे केस में भले ही मंगली की शादी कराओ लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पड़ेगा उस केस में। तो उसको बोल दीजिए कि भैया राहु आ गया है, घोर मांगलिक हो गया अब ये, अब ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है भले ही लड़की मंगलिक क्यों ना हो। या तो वो लड़की भी मंगल और राहु वाली हो तब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की मंगल से मांगलिक बन रही है और आपका जो बंदा है वो मंगल से मांगलिक बन रहा है और मांगलिक मंगल के साथ राहु भी है, जैसे यही कुंडली है, दोनों कुंडली मान लिया, ये लड़की की है एक लड़के की है सेम कुंडली, लड़की की कुंडली के अंदर भी मंगल आठवें भाव में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि उसकी आठवें भाव में है तो वो मांगलिक हो गई, लेकिन लड़के की कुंडली में मंगल है साथ में राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो घोर मांगलिक हो गया। तो ऐसे केस में शादी कराने के लिए उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में मंगल की मूल त्रिकोण राशि बारहवें भाव में, ऐसे केस में मंगल अगर अपनी राशि में भी हो तो भी उसको मंगल दोष लगेगा। आठवें बारहवें के लिए एक्सेप्शन है ये वाला, सिर्फ छठे के लिए एक्सेप्शन नहीं है कि छठे में मूल त्रिकोण राशि हो तो उस केस में आपका गुरु शुक्र अगर केंद्र में हो, ये गुरु शुक्र साथ बैठे हो या स्वयं राशि में हो या स्वयं नवांश में भी हो तो मंगल दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मंगल दोष लगता है अगर आठवें और बारहवें भाव में वो बैठा हुआ है, आठवें बारहवें में उसकी मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां आपको मंगल पे ध्यान देना जरूरी है जहां पे उसकी मूल त्रिकोण राशि आठ बार।
बेसिकली आपको ध्यान देना वहां जरूरी है जहां मंगल की मूल त्रिकोणराशि छठे आठवें भाव में मेन, बाकी मंगल पर ध्यान देने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं अगर छठे आठवें भाव में मंगल की मूल त्रिकोणराशि नहीं, क्योंकि छठे आठवें भाव में मंगल की मूल त्रिकोणराशि होने से क्या फर्क पड़ेगा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि इससे पहली स्लाइड में देखिए, मंगल की मूल त्रिकोण राशि पहले भाव में, तो मंगल जहां बैठेगा जाके या यहां बैठेगा अष्टम भाव में आके बैठेगा तो अष्टम भाव का नुकसान करेगा, एक दो तीन चार लाभ का नुकसान करेगा, पांच छह सात धन भाव का नुकसान करेगा, आठ पराक्रम का नुकसान करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल इन भावों में बैठ के उनका नुकसान करेगा, एक तो दृष्टि से नुकसान करेगा प्लस चूंकि वो अष्टमेश है तो वो नुकसान करेगा, तो वो ध्यान रखना जरूरी है कि मंगल आपका षष्ठेश तो नहीं, मंगल आपका अष्टमेश तो नहीं या मंगल आपका द्वादशेश तो नहीं। और षष्ठेश के केस में तो आपका भंग भी हो जाता है, अष्टमेश के केस में और द्वादशेश के केस में भंग नहीं होता अगर गुरु शुक्र लग्न से केंद्र में हो या गुरु शुक्र साथ भी बैठे। एक कुंडली देखिए ये वाली, इस कुंडली में जो मूल त्रिकोण राशि है वो बारहवें भाव में है, ये दिया हुआ है तो मैंने पहले बताया कि आपको आठवें और बारहवें का तो मेन है इसके अंदर। तो इस केस में भी अगर मंगल स्व राशि का हो या स्व नवांश का हो तो मंगल दोष लगेगा। बाकी कुंडलियों में जो आपको देखना है एक चार सात आठ बारह भाव में देख लीजिए, केंद्र में गुरु शुक्र है या नहीं है, गुरु शुक्र साथ बैठा है या नहीं है, मंगल स्व राशि का या स्व नवांश का है या नहीं है, अगर है तो मंगल दोष खत्म है अपने आप। यहां पे आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे केस में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें जहां पे मंगल की मूल त्रिकोण राशि आठवें और बारहवें भाव में हो और मंगल दोष बन रहा हो, तो उस केस में जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस केस में अगर मंगल अपनी स्व राशि में भी बैठा है या स्व नवांश में भी बैठा है तो भी मंगल दोष का परिहार नहीं होता, और लगन से गुरु शुक्र केंद्र में है या साथ बैठे हैं तो भी मंगल दोष का परिहार नहीं होता, और साथ में ऐसे में राहु बैठ गया फिर तो बंटाधार होता है, फिर तो उसकी शादी जो है बहुत ही करा के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा के तब किसी मंगलिक से शादी करनी चाहिए, नॉन मंगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। सर ये विष्णु सहस्त्रनाम का जो आपने पाठ बोला वो कितना कितना पाठ करना चाहिए उसे? विष्णु सहस्त्रनाम का 108 पाठ करना, 108 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके ही करा जाता है, तो किसी पंडित के थ्रू 108 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कराइए, वो 108 पाठ करेगा और उसके बाद वो चीज दोष को आपकी समाप्ति हो जाती है, कहते हैं कि दोष की समाप्ति हो जाती है। अब ये कुंडली चौथी देखिए आप, चौथी कुंडली में ना छठे में ना आठवें में ना बारहवें में लगन में मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि लगन में है, छह आठ बारहवें में नहीं है, हाँ लगन में है, और इस कुंडली में मंगल अगर यहां बैठ जाए तो मंगल स्व राशि का हो गया। हाँ जी, तो मंगल को लगन में लोग बता देते हैं कि जब मंगल लगन में बैठा हुआ है तो बड़ा मांगलिक दोष हो गया, तो यहां मांगलिक दोष नहीं लगेगा उसको, और मंगल के साथ गुरु शुक्र हो और केंद्र में गुरु शुक्र आ जाए तो मांगलिक दोष वैसे ही भंग हो जाता है। लगन में मंगल का बहुत बोलते हैं ना कि भाई लगन में मंगल हो तो थोड़ा घोर मांगलिक हो जाता है, तो मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं कि लगन में मंगल हो तो लगन में मंगल हो तो मांगलिक दोष ऐसा नहीं होता है, अगर वो स्व राशि में आ जाए तो मांगलिक दोष खत्म, गुरु शुक्र केंद्र में आ जाए तो मांगलिक दोष खत्म। तो मंगल दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मंगल दोष से जो होने का कारण है वो काम होता है इसका लड़ाई झगड़ा करवाना, क्योंकि मंगल जो है वो दुस्साहस का कारक है तो लड़ाई झगड़ा करवाता है। मंगल से एक बात ध्यान रखिए कि वो कभी आपका डाइवोर्स नहीं कराएगा, वो लड़ाई झगड़ा कराएगा, क्योंकि मंगल जो है मरणात्मक ग्रह है, मंगल और केतु दोनों मरणात्मक ग्रह होते हैं, डाइवोर्स कराने वाले राहु शनि और सूर्य होते हैं जो सेपरेटिव ग्रह कहलाते हैं, वो डाइवोर्स कराते हैं, मंगल कभी भी आपका डाइवोर्स नहीं करवाएगा। लगन में मंगल हो तो वह चौथे सातवें और आठवें स्थान को देखेगा जिसके कारण सुख में कमी, देखिए मगर लगन में मंगल हो इस कुंडली में देखिए, लगन में मंगल अगर यहां पर है तो वो कहां कहां देखेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान को देखेगा तो सुख में कमी लाएगा, सातवें स्थान को देखेगा तो विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आठवें स्थान में देखेगा तो कलह पीड़ा और कष्ट बढ़ाएगा, चोट पेट लगवाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल को इसलिए मेनली लिया गया है कि मंगल का थोड़ा मरणात्मक प्रभाव होता है,
इसलिए मंगल की दृष्टि को थोड़ा मरणात्मक दृष्टि माना जाता है और ग्रहों के मुकाबले। शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि जो होती है वो विच्छेद करती है, उस भाव के रिजल्ट से सेपरेट करती है, लेकिन केतु की दृष्टि मरणात्मक होती है। तो केतु जो है वो कभी भी आपका डाइवोर्स नहीं कराएगा, वो लड़ाई झगड़े मियां बीवी के बीच में चलते रहेंगे, तो वो मंगल वो करवाता है। मंगल यदि चौथे भाव में हो तो वह सातवें, दसवें और ग्यारहवें भाव को देखेगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कमी रहेगी, कर्म क्षेत्र में समस्या रहेगी, लाभ में कमी रहती है। इसी प्रकार से आप बाकी भावों को भी देख सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे आठवें बारहवें भाव में, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी शादी किसी की करनी है तब भी आपको यही देखना है। मांगलिक दोष की पत्रिका में यदि मंगल पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो दोष में सिर्फ कमी आती है, लेकिन मंगल दोष समाप्त नहीं होता। इसको मतलब सॉरी गलती से लिख दिया है, समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ होगा तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। किसी ने पूछा था आप में से कि अगर गुरु और मंगल गुरु शुक्र दृष्टि दे रहे हो वहां पे, तो कह देते हैं ना कुछ लोग कि भाई आंशिक मांगलिक है, तो वो आंशिक मांगलिक होता है कि गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, मंगल दोष तो है लेकिन गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो वो आंशिक मांगलिक हो जाता है। बराबर तो लिखा है ना यहाँ पे, बराबर लिखा है, बराबर ही है, बराबर ही है। साथ में हो तो खत्म होता है, दृष्टि होती है तो कम होता है, कम हो जाता है, सही लिखा है। कुंडली खोल लूं मैं जरा, कोई क्वेश्चन था? हाँ कुंडली खोल लेते हैं, रुक जाओ सर। वो वाला जो आपने आगे वाले स्लाइड लाई, आपने जो बोला जिसमें एक नंबर है और वहां से बोला आपके वो चतुर्थ पे दृष्टि करेगा, आगे वाली लाइए ना, एक नंबर जो था वो सर यहाँ पे, नहीं नहीं पीछे अभी जो थी, हाँ अब आपने क्या बोला, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में यदि मंगल बैठा है और वहां से वो फोर्थ पे एस्पेक्ट देगा या सेवंथ पे एस्पेक्ट देगा, वो एट पे एस्पेक्ट देगा, बराबर है। लेकिन यहाँ तो वो लग्नेश बन गया, तो लग्नेश जब किसी हाउस नहीं 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 श्यामल जी, मैंने आपको बताया है एडवांस में भी कि लग्नेश भले ही मंगल हो लेकिन दृष्टि उनकी गड़बड़ होती है, खराब है। पाप ग्रह की दृष्टि हमेशा अशुभ ही होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, तो लग्नेश से संबंध इसका नहीं है। ये वो उसको बताइए कि लग्नेश यहाँ तो फर्स्ट में रहने से तो पंच महापुरुष योग बनता है, पंच महापुरुष योग बन जाता है, यहाँ तो रुचक योग बन रहा है। हाँ तो फिर तो अब रुचक योग बनता है तो उसको फायदा ही होने वाला है, कुंडली वो फायदा उसको हो वो बात अलग है, लेकिन हम सिर्फ तो मांगलिक तो दोष की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मांगलिक दोष नहीं है। अगर हम यहाँ पे लगन में मंगल देखते शायद कोई कहता जी ये मंगल है, यहाँ मंगल दोष नहीं है उसमें, नहीं, ये कहना चाह नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जैसे बोला ना अभी आपने पीछे क्या लिखा है कि यदि फर्स्ट हाउस में होगा वो मंगल तो चतुर्थ दृष्टि से वो फोर्थ हाउस को देखेगा, यानी वो सुख में कमी लाएगा, बराबर है। तो मेरा ये कहना है कि ये यदि एरीज एसेंडेंट है तो ये इतना फर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये और या 10 नंबर यहाँ पे है जब मंगल उच्च का बन जाता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, 8 नंबर होगा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन बाकी कोई होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना। नहीं 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 देसाई साहब, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपसे डिफर कर रहा हूँ, आप बात सही कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब है चलन में बहुत चीजें कि उच्च के ग्रह की दृष्टि या स्व राशि ग्रह की दृष्टि या लग्नेश की दृष्टि में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन मतलब हमें जो सिखाया गया है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो हमने पढ़ा है उसके पढ़े हुए के हिसाब से यही बता रहा हूँ मैं आपको, जो शास्त्रों में लिखा है कहीं नहीं लिखा कि उच्च के ग्रह की दृष्टि में थोड़ी कमी आती है या स्व राशि ग्रह में दृष्टि में थोड़ी कमी आती है या लग्नेश की दृष्टि में थोड़ी कमी आती है। लग्नेश जहां बैठेगा वहां की वृद्धि करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये लिखा है, लेकिन अशुभ ग्रह की दृष्टि को हमेशा अशुभ और शुभ ग्रह की दृष्टि को हमेशा शुभ ही बताया गया है, किसी भी बुक के अंदर ऐसा अवेलेबल नहीं है। इसलिए माइंड में अगर कोई ऐसा परसेप्शन है तो उसको थोड़ा ध्यान ना दें, 7-8 वो अच्छा है। मैं कुंडली लगाता हूं इसके अंदर, कुंडली में आप देख के कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कहां मंगल दोष है कहां मंगल दोष नहीं है। चलिए कोई अपने आप से कुंडली बताना चाहता है, सर अगर मंगल अगर 1, 4, 7, 8 या 12 में अगर मंगल रहा और उसके ऊपर अगर एक सेकेंड, हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हैं अतुल जी।
जैसे ये कुंडली देखिए आप, कोई कुंडली बताना चाहते हैं आप लोग से, उसको बताना चाहते हो तो मैं लगा अभी लेता हूँ। आप लगा लीजिए सर, मैं बोलता हूँ। हाँ छह बारह 2002 दोपहर के 4:20। वडोदरा गुजरात। गुजरात बड़ौदा। छह दिसंबर 2002 है ना? ठीक हाँ, 6 दिसंबर 2002 है, स्वीकार। ये हमने डिस्कस की थी कांग्रेस, लेकिन हाँ ये देखिए। मांगलिक के लिए नहीं की थी। अब बताइए आप लोग, जो मैंने बताया उसके हिसाब से। सर इसके हिसाब से तो मांगलिक नहीं हुआ, शुक्र साथ बैठे हैं, मंगल साथ विभाग में, गुरु 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 भी केंद्र केंद्र में। में। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, जैसे मंगल जो है जहां जहां होता है मांगलिक के लिए वहां है, और गुरु शुक्र केंद्र में बैठे हुए पर वो राहु केतु एक्सेस में है, तो फिर क्या वो भंग नहीं, होगा उससे कोई फर्क नहीं? नहीं पड़ेगा। गुरु शुक्र केंद्र में बैठे हों, चाहे वो किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों या राहु केतु एक्सिस में हों, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो ठीक भंग है कर देगा दोष को। हाँ सर। एक चीज मुझे पूछनी थी सर, जैसे फर्स्ट 7th हाउस से फर्स्ट मैरिज देखते हैं, एक आदमी की शादी हो भी गई और वो टूट भी गई, तो अब सेकंड शादी कर ली है क्योंकि उसका 7th हाउस में मंगल और राहु बैठा हुआ है, तो क्या तब भी वो ये फर्स्ट मैरिज के लिए था डिवोर्स होना है, कि सेकंड मैरिज के लिए भी ये फिर से अप्लाई कर जाएगा? जो देखिए, फर्स्ट सेकंड सेवन मैरिज जो है था वो हम 9वें भाव से और 12वें भाव से देखते हैं। नवे भाव से बाहर, तो सर हाँ मंगल है वो अभी भी, तो क्या हम 7th हाउस बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे अब? सेवंथ हाउस क्योंकि कंसिडर हम, आपको हमेशा करना है। सेवंथ हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हैं हाँ तो जी ये तो वो शो करते करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो इनके जीवन में रहेगी। मतलब तो सेकंड मैरिज भी कर लें, थर्ड मैरिज भी कर लें, तो वो अच्छा तो जी रहता है कि इनकी प्रॉब्लम जीवन में रहेगी। लेकिन ये चीज देख सकते हैं कि जैसे हाँ जी मैंने, थोड़ा हम लोग सब्जेक्ट से भटक गए लेकिन फिर भी ठीक है, कि पत्रिका में ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर किसी मेल की पत्रिका देख रहे हैं तो उसमें हाँ जी देखिए कि चंद्र और शुक्र पीड़ित तो नहीं है। अगर चंद्र और शुक्र पीड़ित है तो ऐसे हाँ केस जी में शादी नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉब्लम हो अच्छा जाता है। जी तो ऐसे केस में उसके जीवन में स्त्री सुख नहीं होता। उसकी 2 शादी कराओ चाहे 3 शादी कराओ, वो हाँ आदमी कभी जी भी शादी में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। शादी उसकी ओके हमेशा खराब रहेगी। और स्त्री के ओके केस में अगर गुरु सूर्य और मंगल पीड़ित है, स्त्री के हाँ केस में, स्त्री की जी पत्रिका है, गुरु सूर्य और मंगल पीड़ित है, तो हाँ ऐसे जी केस में उसके जीवन में पुरुष सुख नहीं होता। उसकी 2 शादी कराओ 3 शादी कराओ, प्रॉब्लम उसके साथ रहेगी। बात रहेगी। अच्छा जी प्रॉब्लम तो रहती रहती है। अब लेकिन दूसरी हाँ शादी जी लोग कराते हैं, करते हैं कि भाई दूसरी शादी हाँ करनी जी है, तो सर दूसरी अक्सर शादी वो करनी है तो उसके लिए बोल सक्सेसफुल देते हैं होते कि भाई हैं। 9वें भाव में बैठे ग्रह या 12वें भाव में बैठे ग्रह की हाँ दशा जी में आप देख लीजिए, उसमें अगर अच्छा शादी जी हो। हाँ दशा ग्रह हो सकती है शादी। लेकिन तो सर सर दूसरे मंगल मंगल दूसरा दोष जो होता है सर, सेकंड हाउस सेकंड मैरिज के लिए भी मंगल दोष तो हम उसी स्थान से देखेंगे ना वो जहां तो मंगल मंगल दोष दोष लगा तो, हुआ है। हाँ मंगल दोष तो वैसे भी रहेगा ही रहेगा ना, आप चाहे फर्स्ट शादी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कितनी भी जी शादी हो, जी मंगल हाँ दो देखो डिवोर्स का अभी क्या बोला था सर ने, कि डिवोर्स के लिए मंगल दोष बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, डिवोर्स के लिए मंगल का कोई रोल नहीं है। हाँ वो उसकी वजह से हो रहा है कि मान लो कि जो भी ऑपोजिट जो है स्पाउस, मतलब मांगलिक जो है वो जो पर्सन है वो दूसरे पे ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है या एग्रेसिव है या जो भी मतलब प्रॉब्लम करता है, तो उसकी वजह से कुछ सेपरेशन का इश्यू क्रिएट हुआ, लेकिन सेपरेशन करवाएगा तो सूर्य शनि वही करवाएंगे ना, तो मांगलिक दोष तो वैसे होने की वजह से सेपरेशन नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट शादी हो या किसी भी नंबर की शादी हो मांगलिक दोष तो रहेगा ही रहेगा और मंगल सेट से सिर्फ रहेगा। लड़ाई झगड़े वगैरह हाँ होते वह हैं। लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा लेकिन सेपरेशन वो नहीं। हाँ अब उसमें सूर्य का या ऐसे जो सेपरेटिव प्लेनेट है उसका जब रोल कितना मतलब वो इम्पोर्टेंट रहेगा फिर।
सर मेरा भी एक क्वेश्चन था हाँ सर, अष्टक वर्ग में जैसे 7th हाउस में हम नंबर देखते हैं तो वो जो टोटल आता है, तो अगर 17 18 है और सारे गुण वगैरह सब मिल रहे हैं तो सर वो भी तो खतरनाक ही है। नहीं, देखिए उसको उस तरीके से मत लीजिए कि अगर आपके सारे गुण मिल रहे हैं या 36 से 36 गुण मिल रहे हैं। सर 36 नहीं, 26.5 तो गुण मिल रहे हैं और पत्रिका भी ठीक हाँ ठाक है, लेकिन वो मेल जो है ना, मतलब मेल की कुंडली में 17 ही नंबर है सातवें घर में, तो ये देखिए, हम ये कह अगर मेल की सकते कुंडली में 17 नंबर हो या 18 नंबर हो, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने एक शादी कराई है जहां अस्कुट मिल गुण मिलान में सिर्फ 12 नंबर है। वो शादी मैंने कराई है अपना इस तरीके से मंगल देखने के बाद, और वैधव्य योग, नपुंसक योग, आयु योग, वो सब चीज देखने के बाद 12 गुण पे शादी कराई है और बहुत सक्सेसफुल शादी है। सर। अष्टक वर्ग में भी नंबर देखे हैं अष्टक वर्ग का अपने? नंबर अच्छा छोड़ दीजिए, आप अष्टक वर्ग का नंबर मत देखिए इसके अंदर, कि अष्टक वर्ग में नंबर ज्यादा है या कम है वो आप छोड़ दीजिए। अष्टक वर्ग का नंबर वो अलग चीज हो जाती है। मंगल दोष के लिए आपको बात हो रही है कि मंगल दोष के लिए आपको इस तरह से मंगल दोष देखें। सर अगर किसी की पूरे 36 मिल गए तो कैसे? ना 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 ना, वो भी गड़बड़ है। 36 36 तो रामचंद्र जी के, सीता जी के मिले थे। नहीं, वो मिल जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब जो बाकी चीजें हैं वो मिलनी चाहिए आपकी। सारी चीजें देखने के बाद सारी चीज देखने के बाद 36 मिलते हैं तो भैया बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन दशा गड़बड़ बिल्कुल है, और चीज गड़बड़ है उसके अंदर, वैधव्य योग है, विदुर योग है, अलग होने का योग है, आपके सर। इस तरह के सर योग आपके हैं, पास काकबंध्य जो योग एक है। चार हाँ सात आठ में, एक चार सात आठ और 12 में अगर मंगल ग्रह बैठा हो, उसके ऊपर अगर किसी शनि की या राहु की या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती तो मंगल दोष कैसा रहेगा सर? नहीं, वो शनि खत्म हो राहु की जाएगा? दृष्टि पड़ने से कुछ नहीं होता, राहु साथ बैठा होना चाहिए। कोई और सर कुंडली है जो आपका, लगाना चाहता हो, बताना चाहता हो, लगाना सर चाहता हो तो आपने देखिए। तो हाँ बहुत, सर मैं देती हूँ टाइम। दीजिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे हाँ पूछो। मंगल लग्न में बैठे हैं तो मंगल दोष हो गया, और सातवें भाव में बैठ गए हैं गुरु तो वो दोष दूर हो गया, लेकिन राहु केतु एक्सिस आ गया तो जैसे मंगल के साथ ऊपर राहु बैठे तो इसको कैसे बोलेंगे? हाँ तो नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि अगर मंगल के मूल त्रिकोण हाँ सर राशि एक बार 8वें बता। या 12वें भाव में है तो ऐसे केस में राहु साथ बैठा हो तब भी गुरु शुक्र के होने से दोष भंग नहीं होगा। अगर मंगल के मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में है या 6ठे भाव में नहीं है, छह आठ हाँ बारह में नहीं है मंगल के मूल हाँ त्रिकोण राशि, लग और ऐसे उसमें में मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ और गुरु की दृष्टि पड़ गुरु बैठा है साथ में, राहु केतु है। एक्सिस में है, तो मंगल हाँ दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अगर हाँ हाँ मैडम बोलिए, क्या लग्न में डेटा? अगर मंगल बैठा हुआ हो और साथ में गुरु और राहु रहा तो नहीं तो मंगल दोष नहीं लगेगा, दूर हो गया ना गुरु बैठ गए। गुरु बैठ गया तो मंगल दोष खत्म हो गया। आपने बताया सर कि मंगल के शर्त साथ में यह राहु है कि रहा तो मंगल दोष की मूल खत्म। त्रिकोण राशि 8वें या 12वें में होनी चाहिए। अगर ओके मंगल तो की मूल त्रिकोण राशि 8वें या 12वें में है, ऐसे में मंगल के साथ राहु और गुरु बैठ गया तो मंगल दोष खत्म नहीं होगा। दिक्कत ठीक। ओके ओके हाँ जी हाँ सर। मैडम बोलिए, कुंडली क्या है? ट्वेल्थ हाँ जी सर, 12th फेब्रुअरी 1997 फेब्रुवरी 1997 सर, 8:48 मॉर्निंग दिल्ली, 8:48 मॉर्निंग दिल्ली। हाँ अब बताइए। अरे सर ये तो घोर मंगली है ना, तो ऊपर सेपरेटिव ग्रह शनि भी बैठ गया सर फर्स्ट लगन में, तो राहु और मंगल साथ में 7th हाउस में, वो भी सर इसमें मंगल बकरी है तो बकरी का कुछ इसका नहीं इसका नहीं भी कुछ मंगल का होता बकरी बकरी का असर नहीं लेते, बकरी का असर तो अलग चीज पे होता है, वो आपको आगे बताएंगे। बकरी का इससे कोई मतलब नहीं कि मंगल बकरी हो गया तो अच्छा हो गया या मंगल बकरी हो गया तो बुरा हो गया, उससे है? हाँ चीज से कोई जी मतलब। सर ये तो मांगलिक मानेंगे सर, मांगलिक है तो ये। मांगलिक। ये मांगलिक क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है। हाँ जी
और गुरु शुक्र केंद्र में नहीं है। हाँ जी, डिवोर्स भी करवा सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि शनि भी है, फर्स्ट हाउस में शनि भी है। शनि भी है, राहु भी है, तो दोनों सेपरेट इफेक्ट वाले ग्रह बहुत हो गए ना इसके अंदर, केतु फिर आने सर, वाले हैं। सर केतु आ इसमें तो झगड़ा और डिवोर्स गया, दोनों होने के चांसेस हैं। डिवोर्स डिवोर्स। हाँ जी तो ये आप अभी अपनी कुछ कुंडलियां देखिए, कुछ कुंडलियों में इसको लगाइए। आज थोड़ा मुझे भी थोड़ा हल्की जल्दी है, तो इन कुंडलियों पे लगा के आप इनको देखिए मंगल दोष को। आपको मालूम चलेगा कि मंगल दोष कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के आप लगा के देखिए। कोई प्रॉब्लम हो देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद हम लोग अष्टकूट गुण मिलान चालू करेंगे, और अष्टकूट गुण मिलान में हमारी एक दो क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि उसमें काफी लंबा है गुण मिलाने में। तो वो क्लासेस में हम वो पूरा ढंग से समझेंगे उस चीज को भी। ऐसा नहीं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया तो हमने बस उसको मिला लिया, लेकिन हमें खुद भी मिलाना आना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि इन चीजों का मतलब क्या है, क्यों मिला रहे हैं, क्या रीजन है इस चीज का। तो आज यहां तक रखते हैं, और नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू सर।